सभी का स्वागत है नोमैड टाइम्स में। मैं मयंक सिन्हा और हमारे साथ है अनुजा अग्रवाल, प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इनका एक्सपर्टीज़ है नोमैडिक ट्राइब में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इंडिया में नोमैडिक ट्राइब से जितने लोग काम करते हैं एकेडमिशियन बहुत कम है, इसका कारण क्या है? एक्चुअली इंडिया में सोशल साइंस में हर टॉपिक पे ही कम लोगों ने काम किया है, पर कोई टॉपिक अगर मार्जिनल है तो एक तरह से उसका रीज़न उस ग्रुप की मार्जिनलिटी भी है। तो क्योंकि नोमैडिक ग्रुप्स ही इतने मार्जिनल हैं हमारी सोसाइटी में, तो उनके ऊपर काम भी बहुत कम लोगों ने उसी वजह से किया है। दूसरी बात ये, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया ऑफ रिसर्च भी है। ये ज़्यादातर अगर आप ओवरऑल रिसर्च देखें तो लोग सॉफ्ट एरियाज़ में रिसर्च चूज़ करते हैं, तो ये चैलेंजिंग एरियाज ऑफ रिसर्च हैं जिसमें बहुत कम लोग जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है इसमें, कुछ फॉरेन स्कॉलर्स ने भी अच्छा काम किया है और कुछ यहाँ के स्कॉलर्स ने भी, बट आप ठीक कह रहे हो कि इस पर कम काम हुआ है। और इन ग्रुप्स के खुद के लोग एकेडमिक्स में बहुत कम थे ही नहीं, समझ लीजिए। हो सकता है अब आगे आगे जैसे एजुकेशन अगर कुछ सेक्शंस में बढ़े तो लोग एकेडमिक्स में आए तो वो लोग शायद इस को बढ़ावा दें। वो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है रिसर्चिंग कम्युनिटी में, तो लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है आगे आगे जब हम ज़्यादा नोमैडिक ग्रुप्स या सेमी नोमैडिक ग्रुप्स या DNT ग्रुप्स के स्टूडेंट्स आएँ तो वो इन टॉपिक्स को पढ़ें। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, जो कि आप भी जानते होंगे कि कई बार जो ग्रुप्स ज़्यादा थोड़े एजुकेट भी हो गए हैं इनमें से, वो अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी वो ओपनली अपने ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करके उसकी रिसर्च नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इसमें कम काम हुआ है। यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, वो नॉमेडिक ट्राइब को कितना कवर करता है? इसको मतलब देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत अटेंशन नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर। मतलब ज़्यादातर आप जैसे मैंने जब मैं MA में थी तो मैंने एक अलग से कोर्स लिया था ट्राइबल सोशियोलॉजी पे, तो उसमें इस तरह का टॉपिक आया, तो फर्स्ट टाइम जैसे हमने सुना कि ऐसा ये सो कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो मेन स्ट्रीम सिलेबस हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है, सच है ये बात। अभी जो सेकेंड कमीशन बैठा है, दादा इलाके कमीशन बैठा है, उनका रिकमेंडेशन ये है कि बहुत सारी नॉमेडिक ट्राइब जो है वो लिस्टेड नहीं हुई थी रेनके कमीशन द्वारा। जो DNT एक्टिविस्ट हैं और नॉमेडिक ट्राइब के जो एक्टिविस्ट हैं गुजरात महाराष्ट्र से, उनका सवाल ये है कि इसका पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि DNT की लिस्ट बहुत क्लियर है, वो 198 कम्युनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती है, नॉमेडिक ट्राइब कोई भी हो सकता है। उनका डर है कि उनका इशू पीछे चला जाएगा, बहुत सारे डोमिनेट कास्ट जो है वो नॉमेडिक ट्राइब का क्लेम करके आगे चले जाएंगे। एकेडमिक फ्रेमवर्क क्या कहता है कि कौन नॉमेडिक ट्राइब हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है? नहीं देखिए, एकेडमिक फ्रेमवर्क जो है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हो सकता है वो फिट ना हो, तो इसमें मेरे ख्याल से एकेडमिक फ्रेमवर्क की इतनी बात करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं जो मेरा पॉइंट इस पे ये होगा कि कोई भी जो ऐसी एक्सरसाइज है आज की तारीख में कि ये जहाँ पे ऑफिशियल कैटेगरीज में हम किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बात करते हैं, तो उसमें तो टेंशन होना ही होना है और ज़रूर उसका मिसयूज होने के भी पूरे के पूरे चांसेस हर तरह से हैं। जहाँ तक मतलब देखिए DNT ये कहना कि DNT कैटेगरीज बिल्कुल क्लियर हैं, एक हद तक ये ठीक है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो DNT जो लोग DNT में आए वो भी हमें पार्ट्स में आए थे, ऐसा नहीं था कि कोई पूरी कम्युनिटी, वो एंड में जाके ऐसा हुआ। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, शुरू में तो सिर्फ 4 कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब बनाया गया, उसके बाद ऐसे धीरे 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 बढ़ता गया, उसके बाद फिर एक होलसेल वो बना दिया गया और वो भी एरियाज में था, तो वहाँ पे भी इतना क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो नॉमनक्लेचर है कम्युनिटीज़ का वो
देख लगे, हो सकता है हम सोचते हैं कि बहुत क्लियर कट है, जब आप उसमें अंदर जाएं, आप तो खुद इस टॉपिक पे बहुत जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि वो इतना साफ नहीं है। तो वही जिस एक, उसी नाम की एक कम्युनिटी एक एरिया में एक उसकी एक स्वरूप है, दूसरी एरिया में उसी नाम की कम्युनिटी का कुछ और शेप है। तो इतना इवन ऐसी होमोजीनियसनेस है ही नहीं कम्युनिटीज के अंदर। तो ये हो सकता है जैसे जो ये डर है, क्योंकि नोमैडिक में बहुत सारी पैस्टोरल ग्रुप्स भी आते हैं, तो ज़्यादातर जो ये इश्यूज डीएनटी कमीशन वगैरह ने रेज किया, ये थोड़े नॉन पैस्टोरल ग्रुप्स की मोबिलाइजेशन है। तो ये डर कि भाई नोमैडिक में बहुत वास्ट एक ग्रुप आ जाए, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन मतलब एक तरफ से मैं ये कहती हूँ कि ये एक पूरे इशू को ये क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन पे ही रिड्यूस कर देना, ये भी एक तरह का फोकस हमारा गलत है। क्योंकि अच्छा, जैसे कुछ चीज़ों में ये क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप तो इसकी बात कर रहे हो कि भाई नोमैडिक या डीएनटी, लेकिन डीएनटी ही सारे अलग अलग कैटेगरीज में है, ये भी एक प्रॉब्लम है। वही सेम डीएनटी कम्युनिटी एक एरिया में एससी में है, एक एरिया में एसटी में है, तीसरे और एक ही स्टेट के अंदर कई बार ओबीसी में भी है, उसका क्या हम करें? वो भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जैसे अब फॉर इंस्टेंस एट्रोसिटीज एक्ट, उसकी बात भी आती है हमारे डिस्कशंस में, एट्रोसिटीज एक्ट ओबीसी में को नहीं लागू है, या एनीबडी हु इज आउटसाइड इस कैटेगराइजेशन उसके ऊपर वो लागू नहीं होता। तो वहाँ पे एट्रोसिटी तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इस कम्युनिटी के लिए, जो एट्रोसिटीज ये फेस करती है, तो एट्रोसिटी एक्ट में नहीं आते हैं, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पे ये जो डिविजन्स हैं क्लासिफिकेशन में वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का इशू जो है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसका कोई स्ट्रेट सिंपल कोई एकेडमिक फिक्स भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रियल लाइफ लोगों की रियल लाइफ वाली इशू है ना। नोमैडिक ट्राइब और डिनोरी ट्राइब का तीन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको लेके पूरा मूवमेंट वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम रिजर्वेशन, वो है स्टिग्मा, सस्पेशन एंड क्रिमिनैलिटी। रिसेंटली लोगों को उम्मीद थी कि इजाते कमीशन या रिंग के कमीशन भी इस इशू को लेके कुछ बात रखेंगे, या गवर्नमेंट भी इस इशू को लेके कभी एड्रेस करेंगे। जैसे दलित के जितने मूवमेंट हुए हैं वो अनटचेबली बेस्ड है, फेमिनिस्ट मूवमेंट जेंडर पॉलिटिक्स की बात करती है, इनका जो डिस्क्रिमिनेशन है या इनका जो एक्सक्लूजन है वो सस्पेशन क्रिमिनैलिटी पे बेस्ड है। इसको लेके पॉलिसी लेवल पे क्यों बात नहीं हो पा रही? क्योंकि एकेडमिक रिसर्च कम है या उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है, इसके इश्यूज क्या है? ये कहना कि क्यों नहीं हो पा रही है, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ठीक कह रहे हो कि ऐसा सी इस तरह के जब टॉपिक्स आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कहीं पर एक ऑफिशियल आइडेंटिटी होने से फर्क पड़ता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एक डेथ पेनल्टी प्रोजेक्ट उनका था, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि जितने अगर हम ये देखें कि डेथ पेनल्टी पे कौन लोग हैं, तो ज़्यादातर लोग बहुत मतलब उनकी प्रोफाइल जो है वो मार्जिनल ग्रुप्स है। ये एक मतलब फैक्ट है कि अगर आप सोशली मार्जिनल हो, तब चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इस तरह की पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। तो जहाँ अब ये इस बारे में हमारी डीएनटी से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है हमारे पास, और जब मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्रिमिनलिटी तो सबसे मेजर एक लिंक हम इस कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिमिनलिटी स्टिग्मा ये। तो कितने और हमारे पास ऐसे एक्ट्स भी हैं जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, और भी बहुत सारे लोकल टाइप के लॉज हैं जो कि इस तरह के लोगों को टारगेट अभी भी करते हैं इवन आफ्टर डी नोटिफिकेशन, राइट? तो इसके बावजूद अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई आज हमारे पीनल सिस्टम में कितने डीएनटी लोग इनकार्सरेटेड हैं, तो मेरे पास इसके लिए कोई डेटा नहीं है। खाली कुछ जो लोकल लेवल कुछ स्टडीज़ लोगों जो ग्रुप्स जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स वगैरह कभी स्टडीज़ करते हैं, तो वो दिखा पाते हैं कि इस तरह के लोगों का इनकार्सरेशन कितना ज़्यादा है, कितना बेसलेस, बहुत छोटे छोटे ग्राउंड्स पे किस तरह से, मतलब एनेक्डोटल या फिर लोगों ने लिटरेचर में इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, वो सब है, लेकिन कोई बड़ा डेटा हमारे पास है नहीं ये दिखाने के लिए कि इन लोगों को
क्रिमिनलिटी के एंगल से और इस तरह के एंगल से देखा जा रहा है और उसका वो लोग सफर कर रहे हैं उस वजह से, क्योंकि उनको अज्यूम करा जाता है कि ये तो यही ये क्रिमिनल है, ये अज्यूम हमने करके चला, ये ग्रुप है, ये क्रिमिनल इसी ने किया होगा, ये बावरिया गैंग है, इसने ये किया ही होगा, इस तरह के अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। लेकिन उसके बारे में हम, और मतलब आप लास्ट ईयर की या एक दो साल पहले वो किरण बेदी वाला केस हुआ था, इस तरह के मतलब बड़े बड़े ओहदों पे भी लोगों की प्रेजुडिसेस हैं इन लोगों के बारे में। डीएनडी या नॉमेडिक टाइप की जो महिलाओं का इश्यू है और बाकी जो सोसाइटी की महिलाओं का इश्यू है वो एक ही जैसे है या बहुत अलग है? देखिए कुछ चीजें तो कॉमन होंगी, लेकिन जो ये पॉइंट आपने बताया जो दक्षिण ने भी कहा है, देखिए अब आज की तारीख में जो भी डीएनटी या अदर ग्रुप्स वो अपवर्डली मोबाइल हो रहे हैं तो ये सच है कि फिर एक मतलब अपवर्डली मोबाइल होने का एक तरीका ये है कि आप अपनी महिलाओं पे ज़्यादा और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, ठीक है ना। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है कि इसीलिए जैसे अब ये मैंने प्रोस्टिट्यूशन की बात की, ये बड़ा टची टॉपिक है डीएनटी उसमें, क्योंकि जो भी थोड़ा सा समाज में ठीक पोजीशन में पहुंच गए हैं वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि हमारे समाज में शायद ऐसा हो रहा है, क्योंकि उससे उन्हें उनको इंसल्ट फील होती है, ठीक है ना। और इंसल्ट इसलिए फील होती है क्योंकि इसका मतलब कि हमारी औरतें रिस्पेक्टेबल नहीं है या हम मतलब उनको उस तरह को इस एक जो स्टिग्मा अटैच्ड है कुछ इस तरह की, मतलब नॉट विद जस्ट विद लिबरल बट ओके विद आल्सो सेक्सुअल एक्टिविटीज, उसकी वजह से वो उससे बिल्कुल एसोसिएट है ना। इसका मतलब ये तो ये चीज़ ऐसी है कि ये अब कम्युनिटी की इंटरनल कॉन्वर्सेशंस के लिए है कि आप जब इस क्या आप जो कुछ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होके सोच सकते हो कि हम जब हम प्रोग्रेस करें तो हम कैसे उन चीज़ों को लूज ना करें। इनफैक्ट कुछ डीएनटी समाज ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं की तरफ स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें ये प्रूव करना है कि भाई हम भी रिस्पेक्टेबल हैं। तो जो ग्रुप को ये अपनी एक बहुत सारे ग्रुप्स से उन्हें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मार्जिनल ग्रुप्स रहे हैं इनके आपने कहा स्टिग्मा क्रिमिनलिटी और तीसरी चीज़ क्या थी सस्पिशन उनके अगेंस्ट रहा ही है, तो उनके ऊपर ये प्रेशर प्रूव करना कि हम ऐसे नहीं हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उस प्रेशर की वजह से वो और एक्सेसिवली कंट्रोल करने वाली उनके यहाँ प्रैक्टिसेस हैं काफ़ी ग्रुप्स में। मतलब अभी भी कई ग्रुप्स हैं जिनमें वो कास्ट पंचायत टाइप चीज़ है, वर्जिनिटी टेस्ट ये वो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिससे हमें ये भी लगता है कि शायद मतलब एक यूनिफॉर्म ऐसी पिक्चर पेंट करना कि भाई इस समाज में महिलाएं बहुत लिबरेटेड हैं ये भी थोड़ा खतरनाक हो सकता है। मतलब इसके लिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस चीज़ को इस तरह की एक इमेज, क्योंकि वो इमेज जो है उसमें भी फीड करती है एक तरह की जो एक द अदर वुमेन वाली जो एक इमेज डोमिनेंट समाज बना के रखता है उसमें हमें फीड नहीं करना है ना कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल अलग लिबरेटेड है और वैसी नहीं है, उससे भी काफ़ी नुकसान हम कर सकते हैं। और खासतौर पे जब एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स आज की तारीख में देखिए बिल्कुल आइसोलेटेड ग्रुप्स तो बहुत कम हैं, ज़्यादातर ग्रुप्स स्पेशली नोमैडिक ग्रुप्स वगैरह किसी ना किसी तरह से टच में हैं, और वहाँ पे क्योंकि इस तरह की एक उनकी स्टेटस इतनी मार्जिनल है तो उनको कॉन्स्टेंटली एक लार्जर सोसाइटी से जो नेगोशिएट करने में अब और उनकी औरतें किस तरह से उनके साथ डील करनी, मतलब एक प्रेशर है औरतों के ऊपर भी बहुत प्रेशर के अंदर रहती हैं कि जैसे बेड़िया कम्युनिटी में भी सारी औरतें प्रोस्टिट्यूशन में पार्ट नहीं लेती हैं, उनकी बेड़िया जो मेन हैं उनकी वाइफ जो हैं उनको वो तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइफ लीड करती हैं। मतलब ये बड़ा एक तरह का स्प्लिट टाइप है उनकी कम्युनिटी में कि एक औरत तो बिल्कुल गृहस्थ का जीवन लेगी और दूसरी औरत ऐसे धंधा करेगी, तो ये कैसे हम समझें? मतलब इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब हमें डाउट है कि वो लिबरलिज्म में बिलीव करते हैं, वो तो एक तरफ धंधा है एक तरफ दबाना भी है ना,
तो दोनों ही चीजें एक साथ चल रही हैं वहां पे. तो मेन अगर आप ये जाना ये मतलब हम हमें सोचना है कि कैसे ये सब चेंज होगा, तो और डीएनटी महिलाएं जब तक और ओपनली एक्टिविस्ट उसमें नहीं आएंगी, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, पब्लिक में नहीं आएंगी और अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं आएंगी, जो कि अब हो रहा है, मतलब मुझे लगता है कि एटलीस्ट लास्ट कुछ सालों में एटलीस्ट कुछ डीएनटी वेमेन एक्टिव हो गई हैं, पर इट्स अ लॉन्ग वे ऑफ कोर्स. तब तक ये चीज ऐसे ही रही, मतलब इट्स अ मेल डोमिनेटेड यू कैन से कॉन्वर्सेशन विच गोज ऑन एंड इट हैज टू बी ब्रोकन बाय प्रेजेंस ऑफ मोर वेमेन. स्टेटस ऑफ वेमेन रिपोर्ट बनी है कुछ एक नॉट वेरी लॉन्ग अगो, जो कि काफी बड़ी वॉल्यूम्स हैं उसकी, और उसमें डीएनटी वीमेन का मेंशन भी नहीं है. मतलब उसमें दलित वीमेन, सेक्स वर्कर्स, मुस्लिम माइनॉरिटी, ये वो सब बहुत है, मतलब जितने भी ग्रुप्स विजिबल हैं उनके ऊपर अटेंशन उसमें डिवोटेड है. मतलब सेक्स वर्कर्स पे है, लेकिन मतलब ये भी मेरा कहना है जो सेक्स वर्कर डिबेट्स हैं जैसे, उसमें डीएनटी की कोई प्रेजेंस नहीं है. जबकि आप जानते हो, मैं जानती हूँ कि काफी लोग इन कम्युनिटी से है, लेकिन वो एज ए कम्युनिटी उसमें पार्टी नहीं लेते हैं, पार्ट लेने नहीं दिया जाता है या लेना नहीं चाहते हैं. ये सब इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी उनका उनके क्या इश्यूज है किसी को नहीं मालूम. मतलब उसको वो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा सकती है और चली भी गई है, क्योंकि इन लोगों ने कभी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ठीक है ना. तो और स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट बन रही है इतनी मोटे मोटे, लेकिन उसमें कहीं नाम ही नहीं है. अभी फिर से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नेशनल डीएनटी एंटी वेलफेयर बोर्ड, दूसरा नीति आयोग में उन्होंने फिर से कमेटी गठित की है और वही टास्क दिया गया है जो पिछले कमीशन को दिया गया था कि वे फॉरवर्ड क्या है. तो आपको क्या लगता है वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? सरकार जो करेगी अपना वो तो करती रहेगी. मतलब ये इतनी लार्ज प्रॉब्लम है कि इसका कोई एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं है. पर एक तरह से मैं कहूंगी कि यहाँ तक भी पहुंची सरकार, इसका मतलब कि कुछ विजिबिलिटी हुई है. क्योंकि ये ग्रुप्स अब वो किस गलत डायरेक्शन में जाएगा कि सही डायरेक्शन में जाएगा ये तो हमें समय ही बताएगा, लेकिन इतना होना भी एक तरह से एक लेवल पे उसको विक्ट्री मानना चाहिए, क्योंकि कम से कम इतना इस लेवल पे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है और हमें कुछ करने की जरूरत है. अब ये इनफ तो है ही नहीं किसी भी हालत में, इट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज इतने सालों से आप जिन ग्रुप्स को बिल्कुल ही मार्जिनल इग्नोर ये वो करके चल रहे हो, इतनी सी छोटी सी चीज़ से नहीं होगा. और एक सरकारी जो मतलब जिसे कहना चाहिए कि तरीके हैं या उनका जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत जल्दी कुछ होगा भी नहीं, ये भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं. लेकिन मैं पर्सनली मैं देखूंगी उसको कि चलो अच्छी बात है कि इतना हुआ. अब ये डीएनटी ग्रुप्स के लिए है कि अपनी एक्टिविज्म जारी रखें, बढ़ाएं, ऑर्गेनाइज हों और नज़र रखें इन चीज़ों पे कि ये हमारे लिए क्या कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. तो वो प्रेशर, ये तो प्रेशर वाली पॉलिटिक्स इज अ पावर गेम, इसमें तो जो जितना अपना दिखा सकता है उसी को कुछ मिलेगा. ये वोट या तो वोटर पॉलिटिक्स है या अदरवाइज आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं तो आपकी कुछ पहचान है, तो इतनी पहचान हुई चलो अच्छी बात है, अब आगे देखिए क्या होता है.